तो हम लोग बात कर रहे थे भौतिक भूगोल के बारे में, और इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने किस पर बात की हुई थी, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इस पर चर्चा की हुई थी। और याद रखिए, आपका यूपीएससी और पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसे कवर करवाया जा रहा है, और इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है जिसका नाम रखा गया है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस के नाम से। और देखिए, जब स्टेट पीसीएस कहा जाता है ना, तो इसमें आप देखिए आपका एमपीपीएससी, बिहार पीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश पीसीएस, जिस तरह से आप देखते होंगे कि सिविल सर्विस की तरह हर राज्यों में उनका स्टेट पीसीएस होता है, तो वो सभी कवर हो जाते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आता है, कई लोग एक सवाल पूछते भी रहते हैं, क्या ये क्लासें वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं? तो देखिए, बिल्कुल हो सकती हैं। और आप लोग अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस देख लीजिए, उसके पुराने क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आप लोगों की समझ में आ जाएगा, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, या चाहे आप देखिए भौतिक भूगोल हो या भारत का भूगोल हो, या फिर आप देखिए संविधान हो, अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो, इन सभी से आपकी परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्लासें आप लोगों को प्रीलिम्स में भी फायदा देंगी और मुख्य परीक्षा में भी फायदा देंगी। आप लोग स्थल रूप देखते होंगे जिसमें देखिए आप लोग की आपका महाद्वीप हो गया, पर्वत हो गया, और आप देखिए महाद्वीप हो गए, इनका ये बने कैसे हैं? तो एक उदाहरण कल आप लोगों को दिया हुआ था कि मान लीजिए कोई तरबूजा है, पृथ्वी को आप लोग तरबूजा समझ लीजिए, तो कल हम लोगों ने तरबूजे के अंदर क्या होता है उस पर चर्चा की हुई थी। आज हमें बात करनी है कि इस पृथ्वी पर बल किस तरह से लगते हैं। एक तो आप देखेंगे अंतर्जात बल जो खरबूजे के अंदर से लग रहे होंगे, और एक आप होता है बहिर्जात बल जो आप देखेंगे खरबूजे के ऊपर ही लग रहे होंगे। ठीक है, तो इन्हीं पर विस्तार से हमें चर्चा करनी है। और अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, इन्हें आप देखेंगे तो पटल विरूपणी बल भी के रूप में बांट देते हैं, दो हिस्सों में कर देते हैं अंतर्जात बल को, और एक होता है आकस्मिक अंतर्जात बल यानी कि एकाएक उत्पन्न हो जाना, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। और पटल विरूपणी बल को आप लोग इसे भी दो भागों में बांटते हैं, एक आप देखते हैं कि महादेश जनक बल और पर्वत निर्माण कारी बल, यानी कि एक तरह से आप देखिए जो महादेश बने हुए हैं, महाद्वीप बने हुए हैं, एक इस तरह से बने हुए हैं, और पर्वत निर्माणकारी बल कौन से हैं, उन्हीं की बात हो रही है। और इसी तरह से आप देखते हैं बहिर्जात बल की बात करें तो अन्नाच्छादन, इसमें अपक्षय हो जाता है, अपरदन हो जाता है, परिवहन हो जाता है, तो इन सब के बारे में बात करनी है। अपक्षय में आप देखते होंगे भौतिक, रासायनिक, जैविक हो जाता है, अपरदन में प्रवाहित जल, पवन, वायु के द्वारा, हिमनद के द्वारा, सागरीय तरंग के द्वारा, परिहिमानी के कारण होता है। तो बाहर भी तो आप लिखते हैं कि एक बल लगता है जो आप देखते होंगे कि नदियां अपरदन करती हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो परिवर्तन किसका नियम है? प्रकृति का नियम है। और पृथ्वी पर कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, और प्रत्येक वस्तु आप देखते होंगे कि आपकी परिवर्तनशील है। भूपटल पटल पर पाई जाने वाली विभिन्न भूआकृतियां, जैसे महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, ये सब परिवर्तनशील हैं। कैसी हैं? परिवर्तनशील हैं, धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होता आया है। आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये आप लोगों को महासागर दिख रहे होंगे, पानी वाला हिस्सा, ये महाद्वीप आप देख रहे होंगे, भारत एशिया महाद्वीप में है, और यहाँ पर्वत आप लोगों को देखने को मिलेंगे, विभिन्न घाटियां देखने को मिलेंगी। और इसमें आप देखेंगे कि उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, आज गगनचुंबी हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां पर आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व 33 सागर हुआ करता था, और समुद्री भाग स्थित था, और गंगा सिंधु के मैदान के स्थान पर एक विशाल द्रोणी थी। और विश्व के कई भागों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं आपको, और जिनसे यह बात पता चलता है कि कई स्थानों पर विस्तृत भूभाग समुद्र के जल में डूब गया था, और बहुत सा समुद्री भाग ऊपरी उठकर स्थलीय भाग बन गया है। और इन सभी उदाहरणों से यह विदित होता है कि भूपटल पर विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियों की रचना तथा उन पर विनाश होता ही रहता है, और भू आकृतियों की रचना उनके विनाश का विक्रम पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के प्रारंभिक चरणों ही में ही शुरू हो गया था, और यह विक्रम अब भी जारी है, अभी भी परिवर्तन यह जारी है। और अतः भू संचलन एक निरंतर प्रक्रिया
क्रिया है और भूपटल पर परिवर्तन लाने के लिए कुछ बलों की आवश्यकता होती है और जिन्हें दो रूपों में बांटा गया है। एक तो आप देखते हैं अंतर जाल बल, यानी कि आंतरिक बल जो अंतर शक्तियों से उत्पन्न होता है। एक होता है बहिर्जात बल, बाह्य बल जो बाहर की शक्तियों से उत्पन्न होता है। इन्हीं की बात हो रही है, सरल शब्दों में आप लोग समझ लीजिए। ये आप देखिए कणिकामय विघटन हो रहा है, ये अपसलकन, और ये आप देखिए पिंड विच्छेदन, देख रहा है, और ये चट्टानों का टूट टूट कर विखंडन हो गया, देख लीजिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले अंतर्जात और अथवा आंतरिक बल की हम लोग बात करें, इसे आप लोग इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। एक बल पृथ्वी के अंदर ही सक्रिय होते हैं, यानी कि खरबूजे के अंदर ही सक्रिय होते हैं, और जिस कारण से इन्हें हम लोग अंतर्जात अथवा आंतरिक बल कहते हैं, अंदर से लगने वाला बल कहते हैं। और इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में पर्याप्त गहराई पर होती है, और इन बलों की उत्पत्ति के मुख्य कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों का फिसलन और संपीड़न, ताप दाब और घनत्व में परिवर्तनशीलता और विभिन्न रासायनिक तत्वों का योग और रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन, मैग्मा का संचलन आदि तीव्रता की दृष्टि से इन बलों के निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जाता है। इन सभी कारणों से ये बल उत्पन्न होते हैं, कहने का मतलब ये। अब इसे आप देखिए दो भागों में बांट दिया गया, पटल विरूपणी बल और एक है आकस्मिक अंतर्जात बल, यानी कि अपने आप एक तरह से उत्पन्न हो जाना, पटल विरूपणी बल यानी कि पटल पर होना। तो सबसे पहले पटल विरूपणी बल की बात करें, तो पटल विरूपणी भूतल भूपटल की वे सभी हलचलें जिनसे पृथ्वी की पपड़ी झुकती है, मुड़ती है, टूटती है और परिणाम स्वरूप धरातल पर विषमताएं उत्पन्न होती हैं, पटल विरूपणी बल कहलाता है। फ्रेंच वाटवार्थ के अनुसार पटल विरूपण से आशय उन समस्त विक्रमों से है जिनका भूपटल के उन्मज्जन और निमज्जन या किसी एक भाग के संदर्भ में दूसरे भाग का विस्थापन उसके टूटने, मुड़ने या सम्मिलित होने में योग होता है। और पटल विरूपणी बल पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे कार्य करते हैं और इनका प्रभाव हजारों लाखों वर्षों के बाद दिखाई देता है। और आप देखते हैं जो भूकंप आता है, ज्वालामुखी होता है, उसका रिजल्ट हाल ही दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं बाल्टिक सागर का तट पिती हजार वर्ग आप में पिती हजार वर्षों में 1.3 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। और पृथ्वी पर एक कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तट या तो ऊपर उठ रहा है या फिर नीचे धस रहा है, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं होता है। हजारों साल में आप देखेंगे थोड़ा सा मालूम चलता है कि अच्छा हुआ है ऐसा। आप देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट की देख लीजिए, कई बार आप देखते हैं कि कहते रहते हैं कि ऊंचाई इसकी बढ़ रही है। और इन बलों द्वारा भूपटल पर बड़ी बड़ी भू आकृतियों का निर्माण होता है और ये बल क्षैतिज तथा लंबवत दोनों दिशाओं में काम करते हैं। और क्षैतिज बल के कारण धरातल पर संपीड़न, तनाव और अपरूपण होता है, और संपीड़न से बलन तथा तलाव से भ्रंश की उत्पन्ति होती है। भ्रंश घाटी आप लोगों ने सुना होगा, भ्रंश पर्वत आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं की बात हो रही है। और आप देखेंगे लंबवत बलों से तटीय भागों में निमज्जन और उन्मज्जन की क्रियाएं होती हैं, और क्षेत्रीय दृष्टिकोण से पटल विरूपणी बल को निम्नलिखित दो भागों में आप लोग बांटते हैं। इसमें आप देखेंगे एक तो महादेश जनक बल हो गया और एक आपका पर्वत निर्माणकारी बल हो गया। इसमें अगर हम लोग महादेश जनक बल के बारे में बात करें तो अंग्रेजी का एपिरोजेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, एपिरो और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महाद्वीप, और जेनेसिस का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ होता है उत्पत्ति, यानी कि महाद्वीपों की उत्पत्ति। और महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित बलों को हम लोग महादेश जनक बल कहते हैं। ये उत्थान अथवा उन्मज्जन और अधोमुखी अथवा निमज्जन नामक दो प्रकार के बल होते हैं, यानी कि आज आप लोग जो महाद्वीप देख रहे हैं ना, इसी बल के कारण आप देखिए धीरे धीरे हजारों लाखों साल में बना है जो अभी वर्तमान में आकृति देख रहे हैं। जी के गिलवर्ट ने महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया को महादेश जनक क्रिया, ताकि पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को पर्वत निर्माण क्रिया के नाम से पुकारा है, और उन्होंने दोनों के संयुक्त प्रभाव को विरूपणी बल नाम दिया है। उत्थान अथवा उन्मज्जन बल ये प्रभावी प्रभावाधीन भूमि का बहुत बड़ा भाग ऊपर को उठ जाता है, और भूमि के उन्मज्जन के अनेकों उदाहरण मिलते हैं, पिछले अनेकों उदाहरण मिलते हैं इसमें। पिछले आप देखेंगे अगर पिछले
पिछले लगभग 100 वर्षों में स्वीडन का दक्षिण पूर्वी भाग लगभग 1 मीटर ऊपर उठ गया है और समुद्र से दूर उनके उठे हुए चबूतरे मिलते हैं जहां समुद्री अवशेष बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। और इससे यह सिद्ध होता है कि किसी समय से चबूतरे समुद्र में डूबे हुए थे और नॉर्वे में तो ये चबूतरे 180 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत हिंद महासागर में प्रवाल भित्तियों और समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर स्थित है। और भारत में काठियावाड़, गंगा का डेल्टा, मुंबई, पुदुचेरी के तटीय भागों में भू उत्थान के प्रमाण है, इसके उदाहरण है। ठीक है, फिर आप देखेंगे अधोमुखी या अथवा निमज्जन बल, ये प्रभावधीन भूमि का कुछ भाग नीचे धस जाता है, ऊपर उठ जाता है, वो देख लिया है आप लोगों ने। ठीक है, भू उत्थान ऊपर उठ रहा है, अधोमुखी नीचे जा रहा है, धसाव हो रहा है। धसाव दो प्रकार का होता है, स्थल का कुछ भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपनी निकटवर्ती भूमि के तल से नीचे धस जाता है और इस प्रक्रिया को अवतलन कहते हैं। और स्थल खंड सागर तल से नीचे चला जाता है और जलमग्न हो जाता है, इस प्रक्रिया को आप लोग निमज्जन कहते हैं। और उन्मज्जन की भांति निमज्जन में भी कई उदाहरण मिलते हैं। समुद्र तल के नीचे कोयले के भंडार, जलमग्न वन, भूमि डूबी हुई घाटियां, प्रवाल रोधिका और प्रवाल द्वीप आदि स्थल खंड के अवतलन के अच्छे उदाहरण हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पानी नहीं था लेकिन इनके धस जाने के कारण इनके ऊपर पानी आ गया। और भारत में भी अवतलन के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे मुंबई तट के निकट आप जाएंगे तो समुद्र तल से 6 मीटर के नीचे दबे हुए वन क्षेत्र, और पूर्वी तट पर टीनी वैली के निकट धसे हुए वन, पुदुचेरी के निकट पीट और लिग्नाइट के भंडार, गंगा नदी में दबी वनस्पति के चिन्ह निमज्जन को प्रमाणित करते हैं। यानी कि आप देखिए कभी ये ऊपर हुआ करते थे, आज नीचे जा पहुंचे हैं, तो इन्हीं की बात हो रही है। एक आप देखेंगे पर्वत निर्माणकारी बल, और इसमें आप देखेंगे अंग्रेजी का ऑरोजेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से के योग से बना है। इसमें ऑरोज का अर्थ होता है पर्वत और जेनेसिस का मतलब होता है कि उत्पत्ति, अर्थात ऑरोजेनेटिक्स बल पर्वतों के निर्माण से संबंधित है और पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज दिशा में कार्य करते हैं और इन्हें क्षैतिज बल अथवा स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। ये बल दो प्रकार के होते हैं, तनाव, इसमें आप देखेंगे जब दो क्षैतिज बल दो विपरीत दिशाओं से क्रियाशील होते हैं और उनके प्रभाव से तनाव उत्पन्न होता है और परिणाम स्वरूप इसे तनाव मूलक बल के नाम से भी आप लोग पुकारते हैं। और चट्टानों में तनाव उत्पन्न होने से भ्रंश, दरार, चट्टाने, चटकन, क्रैक्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इसी के उदाहरण है। संपीड़न, जब दो क्षैतिज बल एक ही दिशा में या दो दिशाओं से आमने सामने कार्य करते हैं तो संपीड़न होता है, इसे संपीड़नात्मक संचलन कहते हैं। और संपीड़न के कारण चट्टानों में बलन और संबलन पड़ जाता है, यही कारण है कि क्षैतिज संचलन को पर्वत संचलन कहते हैं। गिलबर्ट ने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को परिवर्तन का नाम दिया है। और पटल विरूपणी बल का द्वारा निर्मित संरचनाएं अगर देखें तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पटल विरूपणी बल से भूपृष्ठ में संपीड़न और तनाव पैदा होता है जिससे बलन और भ्रंश पैदा होते हैं जो आप लोग देखते हैं। वहीं अगर हम लोग बहिर्जात बल की बात करें तो मौसम के प्रभाव से अपक्षय और ये अपर्णा, निक्षेपण, इस तरह की भू आकृतियाँ होती हैं। और जैसे अपक्षय मौसम में आप देखते होंगे कि अपक्षय होता रहता है ना, उसी की बात हो रही है। और अपर्दन नदियों के द्वारा होता रहता है, पवनों के द्वारा कई आकृतियाँ बनती रहती हैं, लहरों के द्वारा कई आकृतियाँ बनती रहती हैं, तो उन्हीं सभी की बात हो रही है। आने वाले समय में हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे। बस आप लोगों को याद रखना है अंतर्जात बल मतलब अंदर से आने वाले बल की, ठीक है, आंतरिक शक्तियों से जो उत्पन्न बल होता है, और बहिर्जात बल मतलब बाहर की शक्तियों से जो बल उत्पन्न होता है। जैसे आप देखते हैं कि अपर्दन हो जाता है, अपक्षय हो जाता है, सामूहिक स्थानांतरण हो जाता है, और आप देखते हैं कि नदियों के द्वारा कई आकृतियाँ बहाकर आप देखते हैं वह अपर्दन करके बना दी जाती हैं, या आप देखते होंगे कि वायु के द्वारा भी कई आकृतियाँ बनाई दी जाती हैं, तो उन्हीं सभी की बात हो रही है, उन्हीं बलों की बात हो रही है। तो इस तरह से ये भी टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। और देखिए और विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो मुझे लगता है कि NCERT बुक्स पढ़िएगा, और उसे मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। अभी तक पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं ये मायने नहीं रखती हैं, 1-2 बार जरूर पढ़िएगा। अगली क्लास में हम लोग बलन के बारे में बात करेंगे कि आखिर बलन क्या होता है,
और इससे क्या क्या आकृतियाँ बनती हैं, उन सबको देखेंगे। ठीक है, कोई सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है।